श्री कृष्ण कन्हैयालाल की श्री निजानंद स्वामी के श्री प्राणनाथ प्यारे के दिनाओ दृढ़ यकीन श्री कृष्ण कन्हैया लाल के श्री राज्य से विनती कर रहे हैं, किंतु प्रसंग सद्गुरु का है तो सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया और उस ज्ञान से अलग अलग धाराओं के ग्रंथों का मिलान करके देखा, इस तरह से ये बातें कही तो उससे हमें विश्वास हुआ। फिर भी क्या क्या बाकी रही वो बात कह रहे। दिलड़ा आसान जा गया पण पूजे न रूहसी। आसान जा दिलड़ा जा गया, हमारे दिल तो जागृत हो गए पण पूजे न रूहसी, किंतु रूह तक आत्मा तक ये बात नहीं पहुँची, आत्मा जागृत नहीं हुई। से हुकुम हथ आही जे हले न असा जो की, तो से वह आत्मा को जगाने का काम आही जे हुकुम हथ, आपके हुकुम के हाथ में है, आप चाहेंगे तो ही हम जग सकते हैं। हले न असा जो की, असा जो कि न हल्ले, हमारा कुछ भी चलता नहीं है, यहाँ पर आप जो बोल चाहेंगे वही होगा। मार्कंड जे दिल जी सब नारायण जी चई। मार्कंडेय का उदाहरण चल रहा था ना, तो मार्कंडेय के दिल की बातें सब नारायण जी चई। नारायण जी ने सारी बातें बता दी, उनके अंदर क्या क्या बीती थी वो सारी बातें बता दी। जड़े याद दिनी मार्कंड के तड़े हिकदम निद्र न रही। जब मार्कंडे ऋषि को याद दिलाया, अरे तुम तो ऋषि थे, तो उसी समय तड़े हिकदम एक क्षण भी निद्र न रही, नींद नहीं रही एक क्षण भी, उसी समय वो जाग गए। तो ये कहना चाह रहे हैं, आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। उड़ी बेई मार्कंड के निद्रड़े कंधे विचार। उड़ी बेई मार्कंड के, मार्कंड के उड़ी बेई का मतलब उड़ गई, क्या चीज निद्रड़ी कंधे विचार। विचार करते ही मार्कंडे जी की नींद उड़ गई। जैसे ही भगवान नारायण ने उनको समझाया, तो जैसे उन्होंने विचार किया तो उस समय उनकी नींद उड़ गई। तो ये सुधा असाना थी जे डिनाह पटे द्वार। अब यहाँ अपनी कमी बता रहे हैं। तो हे सुधा असा न थिए, फिर तो हे फिर भी असा सुधा न थिए, हमें कोई सुधि नहीं हुई नहीं हो रही है। तो जे डिनाह पटे द्वार, तो जो द्वार द्वार उपटे दिनाह, तो द्वार खोल दिया, उपटे खोलना और डिनाऊ दिया, अपने द्वार भी खोल दिया और फिर भी हमें तो हमारी नींद नहीं उड़ी हुई है, ऐसा ये कहना चाह रहे। तो दिशन दे आऊ बिलखा सब सुद डिनी आहित। तो दिशन दे आपके देखते देखते आऊ बिलख्या कि हम तड़प रही, आपके देखते देखते मैं तड़प रही हूँ, हम ब्रह्मात्माएं तड़प रही हैं। सब सुदा डिनी आहित, तो आ आपने हित यहाँ सब सुदा डिनी सब प्रकार के समझ दी है, हमें जागृत भी किया, द्वार खोल करके दिखा भी दिया, सतगुरु को भेज करके बार बार हमें समझाने के लिए प्रयत्न किया और फिर भी तो हम अभी तक जागृत नहीं हुए, इसलिए बिलख रहे हैं।
वलहा यादा अजा को नाचे को डिना डेड़ो सखत। वलहा स्वामी प्रियतम धनी, अजा अभी तक याद को नाचे, ये याद स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आता है? अच्छे आना तो याद क्यों नहीं आ रही है ये बात? को डिना डेड़ो सखत, को क्यों डिना दिया, हियड़ो सखत, हियड़ो हृदय को सखत मतलब कठोर, हृदय को कठोर कैसे कर दिया, इतना कठोर कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो आपने इतना कठोर बना दिया क्या? क्योंकि हम तो सब आपके अधीन हैं, इतना कुछ होने पर भी मार्कंडेय तो थोड़ा सुना तो इतने में जागृत हो गए, तो इतना सुनने पर भी हम तो जागृत नहीं हो रहे। धड़ी मुवजे धाम जा अई चौ करिया ती, धनी हे धनी मुवजे धाम जा, मेरे धाम के धनी, हे मेरे धाम के धनी, अई चौ करिया ती, अई चौ आप बोलिए, करिया ती हम वैसा करते, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करते। असा के हिन राध में मुझाए रखिया के, असा के हमें हिन राध में इस खेल में मुझाए रखिया की, तो की का तो क्यों अर्थ है, मुझाए रखा तो मुझाए रखना का तात्पर्य उलझा करके रखा, अभी तक इसमें अटका करके रखा तो इस खेल में, तो ऐसा क्यों किया? तो हम भी तो जागृत हो सकते थे। गाल मिठड़ी वलहा सुनाए देखार धाम, वलहा हे स्वामी मिठड़ी गाल, मीठी गाल, मीठी मीठी बातें सुनाइए, सुना करके देखार धाम, धाम को दिखा दीजिए, मीठी मीठी बात सुना करके धाम दिखा दीजिए। तो प्रत्येक अब मीठी मीठी बातें, अब ये प्रत्यक्ष दर्शन दे करके मीठी बात सुनाइए, ये कहना चाह रहे हैं। दीदार डेम पाई जो, तो पाई जो दीदार डेम अपना अपने दर्शन भी करवाइए। मुँह अंगड़े थिए आराम, तो जिससे मुँह अंगड़े मेरे अंगों को थिए आराम, आराम होगा। कहने का तात्पर्य तो मूल रूप से तो अंग कहने से हृदय, अब यहाँ तो हृदय प्रसन्न होगा, हृदय को शांति मिलेगी तो रोम रोम को मिलेगी, तो मेरे रोम रोम को शांति मिले, इस अर्थ में कह रहे। आऊँ चुआ बे कह के तुम हो जो धनी आइए, आऊँ चुआ बे कह के, आऊँ चुआ मैं कहूँ, बे कह के दूसरे किसको, मैं दूसरे किसको कहूँ, इस अर्थ में बे बे मतलब दूसरे कह के किसको, मैं दूसरे किसको कहूँ। तुम हुआ जी धनी आइए, आइए का मतलब हैं अर्थ में, आप हैं इस अर्थ में, आए है आइए बहुवचन में, आप मेरे धनी हैं, मेरे स्वामी तो आप हैं, मैं दूसरे किसको कहूँ। तुम सुनी ई को करिए ई बार बार को चाहिए, तू सुनी ई को करिए, आप मेरी बार बात सुन करके भी को करिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बात सुन करके भी, तू सुनी आप मेरी बात को, मेरी पुकार सुन करके ई को करिए, ऐसा क्यों करते हैं? ई बार बार को चाहिए, ई इस प्रकार बार बार को का मतलब क्यों चाहिए कहलाते हैं, आप इस बार बार इस प्रकार क्यों पुकार करवाते हैं मुझसे, मैं बार बार आपको प्रार्थना करते रहूं और फिर आप कहीं थोड़ा बहुत कुछ कर दें, ऐसा क्यों करवा रहे हैं? सुंदर भाई जे चयो मुँह दिलपणा डिनी गुहाए, तो सुंदर भाई जे चयो, सुंदर भाई ने जो कुछ कहा, सतगुरु ने प्रकट होकर के हमें जो कुछ समझाया, मुँह दिलपणा डिनी गुहाए, मेरे दिल को भी उससे उस गुहाए का तात्पर्य साक्षी, तो उस उन वचनों से, सतगुरु के वचनों से मेरे दिल को भी साक्षी मिली है। कहने का तात्पर्य यह है, तो सतगुरु ने जो जो बातें समझाई तो वो बातें सच्ची है ऐसा
मेरा दिल साक्षी देता है, मेरा दिल कहता है कि वो बातें सही है, ये कहना चाह रहे हैं। सवा गालियों असांझे दिल ज्यों धड़ी तो खबर सब आए, सवा गालियों सब बातें असांझे दिल ज्यों हमारे दिल की सारी बातें धनी है धनी तो खबर सब आए, आपको सब पता है, हमारे दिल की सारी बातें आपको पता है, हमें तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही है। हे गालियों आई डिशी करे कि माठ करे रहो, तो हे तो ऐसी अथवा यह गालियों बातें आई डिशी करे, आई आप डिशी करे देख कर हमारी ऐसी दशा को देख करके कि माठ करे रहो, कि का तात्पर्य क्यों, माठ मतलब चुप करे रहो, आप क्यों चुप करके बैठे हैं, आप क्यों चुप बैठे हैं, हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे। अरस संग सारे करे आए बिछुआ की सहो, अरस संग सारे करे तो सारे का तात्पर्य सब अर्थ में होता है, तो हमें सब प्रकार से परमधाम के संबंध को समझा करके, तो परमधाम हमारा मूल घर है ये बात पूरी तरह से समझा दी, फिर भी आई बिछुआ की सहो हमारे बियों को आप कैसे सहन कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ समझा दिया और फिर भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस परिस्थिति को आप कैसे सहन कर रहे हैं, हमारे बियों को आप कैसे सहन कर रहे हैं, तो ये है। तो हमारा वियोग कहने का मतलब आपका वियोग, आपको हमारा वियोग क्यों नहीं सता रहा है इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि राज्य तो देखते ही है, उनको पता ही है सब कुछ, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं हमें परमधाम का सब पता होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमें पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा को आप कैसे सहन कर रहे हैं ये कह रहे हैं, तो हमारी पीड़ा को आप कैसे सहन कर रहे हैं। अरस असा के विषरियो अने विषरिया तो कदम, तो असा के हमसे अरस विषरियो परम धाम विस्मृत हो गया, हम भूल गए। अने विषरिया तो कदम, आपके कदम तो कदम, आपके कदम को भी हम भूल गए, पण तो को संग विषरियो की विषरिया खसम, पण किंतु तो आप संग को संग विषर्य का तात्पर्य आप संग संबंध को विषर्य क्यों भूल गए, तो हमारा आपके साथ संबंध है, तो आपके भी तो हम अंगनाए हैं, इस बात को आप कैसे भूल गए हैं कि विषर्या खसम, तो कि क्यों विषर्या विषारिया खसम, तो विषारिया का तात्पर्य भुला दिया, तो आपका संबंध भी भुला दिया और आपको भी भुला दिया, ऐसा क्यों भुला दिया आपने, न तो हम आप हमारे स्वामी हैं ये समझ रहे हैं, न आपको हम पहचान ही रहे हैं, ऐसा क्यों करवा रहे हैं। दिलड़ो अरस संग जो असा मथा की लाधा, दिलड़ो अरस संग जो, दिलड़ो तो हमारा दिल, अरस संग जो तो हमारे दिल का भी तो परमधाम के साथ, संग का तात्पर्य संबंध है, हमारे दिल का भी तो परमधाम से संबंध है, तो दिल कहने से यहाँ असुरता को भी कह रहे हैं, तो हमारे जो असुरता परमधाम से यहाँ आई है और नश्वर शरीर धारण किया है, तो उसका भी तो संबंध परमधाम से है। असा मथा की लाधा, तो असा मथा हमारे सिर से की लाधा क्यों दूर किया, मतलब हमारे सिर से उसको उतार दिया, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा संबंध परमधाम से है, आपसे है, तो हमारे सिर से इतना क्यों उतार दिया, इस थोड़ा बहुत तो याद दिला के रखना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। पुकारिंदे ना नारियों असा बीच हेड़ी को पाता, तो अ छूट गया है, असा असा बीच हेड़ी को पाता, पुकारिंदे ना नारियो, पुकारिंदे का तात्पर्य पुकार करने पर भी ना नारियो आप देखते नहीं हैं, तो असा बीच हमारे बीच हेड़ी ऐसे को पाता,
तो हमें ऐसे ऐसा क्यों डाला, मतलब हमें इस प्रकार दुनिया में मस्त क्यों करवाया, तो माया मोह में हमें ऐसे इतने हद तक कैसे डाल दिया। तो ये कहना चाह रहे, कीते वे यूं हो गालियों जे अरस बीच के यूं। अब ये कहना चाह रहे हैं, हमने परमधाम में इतने वायदे किए हैं कि हम भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, वो सारी बातें हम कहाँ भूल गए, ये कहना चाह रहे हैं। किते बेयूं हो गालियों, हो गालियों वो बातें किते बेयूं कहाँ चली गई, जे अरस बीच के यूं जो परमधाम में कही थी, हमने कही थी, बार बार वचन दिए थे हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, तो वो सारी बातें कहाँ चली गई। तांजे अशी विशार विशरिया आके विशरी की वेयूं, तांजे तो कदाचित अशी विशरिया, हम तो कदाचित भूल भी गए हों, आके आप विशरी की वेयूं, आप कैसे भूल गए, आप तो समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, हम तो कदाचित भूल भी जाएं, हम तो नादान हैं, आप कैसे भूल गए। अब क्षमा भी मांग रहे हैं, करियाँ गुस्ताखी बड़ी हूँ पण ही अड़ो चाहो तो ही जो चाहे, करियाँ गुस्ताखी बड़ी हूँ, बड़ी हूँ गुस्ताखी करी हूँ, तो मतलब हमने बहुत बड़े गुस्ताखी किए, धृष्टता की है, तो हमने आपको हम भूले और आपके ऊपर हम दोष लगा रहे हैं, तो ये और आपको बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया, हमें जागृत नहीं किया, नहीं समझाया, तो ये तो हमारी बड़ी धृष्टता है, हमने बहुत बड़ी धृष्टता की है, किंतु पण हियड़ो चायो तो ही जो चाहे, हियड़ो हमारा हृदय है ना, तो ही जो चायो, आप जैसा कहलाते, आपका कहलाया हुआ ही तो कहता है, तो ही जो चायो चाहे, आपका कहलाया हुआ ही कहता है, ये स्वतंत्र नहीं है, आप जो कहलाते हैं वही ये बोलता है। जे मुँह जगाए सामो नारियो, तो यदि आप मुझे जागृत करके सामने देखेंगे मुझे मेरी ओर, तब मुँह रूहड़ी की रहे, तो मुँह रूहड़ी मेरी आत्मा की रहे, कैसे रहेगी दुनिया में, कैसे रहती, वो तो जागृत होकर के आपके चरणों में पहुंच जाती ना, तो आप यदि हमें सामने देखते तो हमें जागृत करके सभी तरफ से घुमा फिरा करके दर्शन में ही बात टिकाते। चरई थी चुआ थी जिन दुखे जो मुँह से, चरई थी चुआ थी, चरई थी का तत्पर चरई मतलब व्याकुल होकर, चरई थी व्याकुल होकर चुआ थी कहती हूँ, व्याकुल भी होती हूँ और कहती हूँ, व्याकुल होकर के आपको कह रही हूँ, ऐसा अर्थ समझना पड़ेगा। जिन दुखे जो मुँह से, जिन दुखे कि आप दुखी मत हो, जो मुँह से आप मुझसे दुखी मत होना, तो मैं व्याकुल होकर के आपको ये सब आरोप लगा रही हूँ, तो मेरा होश ठिकाने नहीं है, किंतु आप दुखी मत होना, इस तरह से ना ये प्रार्थना का भाव ऐसा ही होता है राज्य के प्रति। तो दिखारियो ही कतोई के आओ चुआ बे के है के, तो दिखारियो है कि तो एक है, आपने दिखाया तो ही का दिखारियो, आपने दिखाया है कि तो एक, एक आपको है, आपको ही दिखाया, इसलिए हम रोएं धोएं कुछ भी करें आपसे ही करेंगे ना, हम दूसरे किससे करेंगे। आऊँ चुआ बे कह के, आऊँ चुआ मैं कहूँ बे दूसरे कह के, किसको मैं दूसरे किसको कहूँ, किसको पुकार करूँ, किसके सामने जा कर के रोऊँ, अपनी वेदना व्यक्त करो, ये सब आपके सामने करनी पड़ेगी ना, इसलिए आप मुझे क्षमा करना कि मेरी बात से दुखी मत होना, इस प्रकार से अपना भाव कह रहे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आओ चुआ बे के चरई थी चुआ थी जिन दुखे जो मुँह से, जो दिखारियो ही कतो हके
आऊं चुआ में के हके, आऊं चुआ में के हके।